Hello, I'm Isha Bulgotra, a student of MEd program in Meyer College of Education. मैं अपनी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि हम अपनी लाइफ में एजुकेशन कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, और अगर हमें सही मायने में एक अच्छी एजुकेशन आजकल की 21st सेंचुरी में अगर चाहिए तो डेफिनेटली आई सजेस्ट कि मायर कॉलेज में डेफिनेटली एडमिशन लीजिए। अगर यहाँ पे हम एडमिशन लेते हैं तो हमें उस चीज़ का बेनिफिट, मैं पर्सनली जो फील करती हूँ मैं वही शेयर कर रही हूँ, कि उस चीज़ का बेनिफिट ये है कि करिकुलम के बारे में हम बचपन से लेके आज तक सुनते आ रहे हैं कि करिकुलम क्या होता है, करिकुलम कैसा होता है और करिकुलम कैसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इस कॉलेज में, दैट इज़ मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आके मैंने पर्सनली फील किया है कि वॉट करिकुलम एग्जैक्टली इज़, करिकुलम कैसे बनता है, करिकुलम बनाने की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, बच्चों की उसमें मेंटल एबिलिटी कैसी रहती है, उसमें क्या और किस तरीके से काम किया जाता है। मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेने के बाद मैंने पर्सनली फील किया कि हाँ, जो मैंने सुना था मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बारे में वो सही तो था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा था, क्योंकि जितना हम सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम उस एक सिचुएशन के अंदर रह के जब फील करते हैं तब हमें रियलिटी का पता चलता है। डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कि मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हमें एडमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी सब पे हावी होती जा रही है, बट उस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, वो टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तभी पता चल सकता है जब हम एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अंडर वन रूफ हमें सब कुछ वो चीज़ें हमारे सामने हमें मिले। और मैंने जब एडमिशन ली मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में तो मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली में है क्या, प्रोजेक्टर्स काम कैसे करते हैं, ICT क्लासरूम्स दिखने में कैसे होते हैं और वो वर्क कैसे करते हैं, कंप्यूटर्स का प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाता है और हमारी लाइफ में उस चीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लाइक टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर ही नहीं होता, हमारे J&K में अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सबसे पहले कंप्यूटर दिमाग में आता है, लेकिन मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एंटर करने के बाद मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। तो मायर कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको अंडर वन रूफ हर एक चीज़ मिलेगी, और आपकी लाइफ में आपने अचीवमेंट और सक्सेसफुल कैसे बनना है आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे टीचिंग कैसे होती है, यहाँ पे ICT क्लासरूम्स कैसे हैं, यहाँ पे टीचर्स फैकल्टी कैसे है, कोऑपरेशन और फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रैंकली एनवायरनमेंट कैसा होता है आपको मायर कॉलेज में आके पता चलता है। सो मैं सभी पेरेंट्स के से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आजकल हमें एक टेंशन होती है कि हमारा बच्चा इस इंस्टीट्यूशन में सेफ है या नहीं। सो मैंने पर्सनली जो फील किया है कि मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जब एंटर कर जाओगे आप गेट, तो वहाँ से अंदर अनआइडेंटिफाइड पर्सन को एंटर तो छोड़ो, वहाँ पर सबसे पहले हमें पता चलेगा कि अननोन पर्सन अंदर अगर आ रहा है तो वो किस बेसिस पे आ रहा है, क्यों आ रहा है और किस लिए आ रहा है। सो आई फील वेरी सेफ एंड सिक्योर इन दिस कॉलेज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल दैट प्लीज़ जॉइन मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन।